नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे सटोवर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं रिवोल्ट आरवी 400, इसका ओनर एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। करीबन 2 साल होने को आया है, अपने साथ सर्वेश जी है। MH14 मतलब इन्होंने पिंपरी चिंचवड़ या पुणे से गाड़ी ली है, बट यहाँ पर अभी ओनर एक्सपीरियंस हम इसका लेने वाले हैं। तो अभी तक सर्वेश जी ने इसको दो साल इसको चलाया है। 2 साल में इनको क्या क्या फेस हुआ है एक इलेक्ट्रिक बाइक चलाने में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सर्वेश जी से बात करते हैं और पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं। जी, आपका स्वागत है ऐसे सटोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो जो व्यूवर्स है उनको बताओ कि आपने 2 साल पहले जो बाइक लिया था, तो आपने क्या दिमाग में कैलकुलेशन करके इस बाइक को ख़रीदा था इलेक्ट्रिक बाइक का, और अभी तक आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और आपको क्या क्या एडवांटेज मिले विद कंपैरिजन टू पेट्रोल बाइक? प्रॉब्लम ऐसे कुछ ज़्यादा फेस नहीं किया मैंने। प्रॉब्लम सिर्फ मतलब ऐसे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा तो मतलब उसमें ही थोड़ा फेस किया है, बाकी ऐसे कुछ ज़्यादा फेस नहीं किया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस वॉज गुड, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, इन्होंने जो बताया कि ऑपरेशनल वाइज परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीज़ें हैं उसमें उनको दिक्कत आई। तो सर्वेश जी, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मतलब क्या प्रॉब्लम फेस हुआ? मतलब इंटरनली ऐसे कुछ नहीं, अभी यहाँ पे कैसे यहाँ पे दिया है स्पीकर। ओके, तो मतलब अभी देखो अभी भी थोड़ा गाड़ी स्टार्ट रहेगा ना, तो ये यहाँ पे एक सुपर बाइक का स्पीकर दिया है। ओके, तो वो चालू नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे जो अभी 60 दिखा रहा है रेंज, बीच बीच में कभी कभी चलाता रहेगा तो 0 दिखा रहे, तो मुझे रुक के वापस स्टार्ट करना पड़ता है, तभी जाके वापस रेंज जितना है उतना दिखाते है। बाकी एज सच ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। तो दोस्तों, सर्वेश जी ने जो बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लाइक स्पीकर और जो बैटरी का जो रेंज है वो कभी कभी काम नहीं करता, बट आप उसको जैसे मोबाइल को आप रिस्टार्ट करते हैं वैसे ही बाइक को आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के बाद वो चालू हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उनको अभी तक 2 साल में उन्होंने फेस किया है। अभी तक उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर चलाया है, मतलब अपन एक 50 किलोमीटर का एवरेज पकड़ते हैं, फ्यूल इकोनॉमी पकड़ते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ उन्होंने सेव किया है पेट्रोल के ऊपर। तो सर्विस जी, मेरा ये सवाल है, 15,000 रुपीज़ आपने पेट्रोल में सेव किया है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट आपने अभी तक कितना पे किया है? पेट्रोल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 आपने सेव किया है, तो मेंटेनेंस में अभी तक कंपनी ने रिवोल्ट के ऊपर आपने कितना खर्चा किया है? बेसिक ऐसे जो सर्विसिंग का कॉस्ट रहेगा वही 2,000 to 3,000, बस उतना ही, बस बाकी ऐसे तो कुछ। अभी तक आपने कितनी बार ऐसे 2,000 के आसपास सर्विसिंग की है? आफ्टर 6 मंथ्स में एवरी टाइम सर्विसिंग। आफ्टर 6 मतलब अभी तक आपने 2 या 3 सर्विसिंग? 2-3 सर्विसिंग की है। तो दोस्तों, सर्विस जी ने जो अभी बताया कि इन्होंने 2 साल में अभी तक 3 सर्विसिंग किए हैं, उसमें लगभग उन्होंने 2,000 रुपीज़ कॉस्ट उन्होंने अपन बोलते इनकर किए हैं, खर्च किए हैं। तो कंपैरिजन करते हैं 15,000 और 6,000 के आसपास, तो अभी तक इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर सेविंग ही की है ये बोल सकते हैं। बट इसमें थोड़ी बहुत जो मैंने बताया कि डिसएडवांटेज या कमी है, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस, इलेक्ट्रॉनिक जो फंक्शनैलिटी है उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक में। तो दोस्तों, ये था रिवोल्ट आरवी 400 का ओनर एक्सपीरियंस 2 साल के बाद। तो सर्वेश जी, आपको धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया इसीलिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे हर एक नया नया वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।